राजद के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आकाश यादव अपने पद से हटाए जाने के बाद इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने एक पोस्ट को दोबारा शेयर किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि उनके दिल में अभी भी लालू और तेज प्रताप ही बसते हैं। उन्होंने कहा है कि इस पद पर रहते हुए और इस पद पर ना रहते हुए भी उन्होंने काफी कुछ सीखा है। तो सबसे पहले आपको ये पूरा वीडियो दिखाते हैं। एक्सपीरियंस है, ऐसा नहीं है कि हम बहुत कोमल भाव से रहते हैं, एसी गाड़ी घोड़ा जैसे में रहते हैं। हमें एक्सपीरियंस 5 लोगों के बीच में भी भाषण देने का है और 5,000 लोगों के बीच में देने का है। हमें एक्सपीरियंस स्कूटी पे ट्रिपल लोडिंग भी घूमने का है और फॉर्च्यूनर पे और तेज बजा के गाड़ी में भी घूमने का है। हमें एक्सपीरियंस बिना पद को भी रहने का है और पद पे भी रहने का है। तो हमको तेज प्रताप यादव भाई और आप लोगों ने इतना कुछ सिखा दिया है कि हम जहां रहेंगे आदरणीय नेता लालू यादव जी के विचारधारा के दम पे मजबूती के साथ रहेंगे और टंके की चोट पर रहेंगे। लेकिन गलत को गलत सही को सही बोलना। तो आपने देखा इस वीडियो में किस तरह से आकाश यादव आक्रामक भाषण दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इस पद पर रहते हुए भी और इस पद पर ना रहते हुए भी उन्होंने काफी कुछ सीखा है। आपको बता दें कि जगदा बाबू की नाराजगी की गाज आकाश यादव पर गिरी है। आकाश यादव को उनके पद से हटा दिया गया है, उनकी जगह अब गगन कुमार ने उस पद को ग्रहण कर लिया है। अब गगन कुमार छात्र राजद के प्रदेश अध्यक्ष है, नए नवनिर्वाचित। आपको बता दें कि कल ही ये पूरा वाक्या हुआ है जिसके बाद से बिहार की सियासत काफी तेज हो गई है। आरजेडी के अंदर खाने क्या कुछ चल रहा है इसको लेकर के सियासी गलियारों में काफी हलचलें तेज हो गई है। बता दें कि तेज प्रताप के बयानों से आहत जगदानंद सिंह ने ऐसा किया है, ऐसा कहा जा रहा है कि तेज प्रताप पर वो सीधे कार्रवाई करने की स्थिति में नहीं थे, इसीलिए उन्होंने आकाश यादव जो कि तेज प्रताप के काफी करीबी माने जाते हैं उनके साथ ऐसा किया है। उन्हें पद से हटा दिया गया है और उनकी जगह अब गगन कुमार को ला दिया गया है। आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव लगातार ही बीते कुछ दिनों से अपने ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह पर हमलावर थे। लगातार उन्हें बेइज्जत किया जा रहा था, कभी उन्हें हिटलर से तुलना की जा रही थी, कभी ये कहा जा रहा था कि पद किसी की बपौती नहीं होती है। तेज प्रताप के इन्हीं बयानों से आहत जगदा बाबू कई दिनों से पार्टी कार्यालय भी नहीं आ रहे थे। हालांकि लालू और उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने इस डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश भी की थी, लेकिन सारी चीजें नाकामयाब साबित हो रही थी। अब जगदा बाबू ने बहुत ही बड़ी कार्रवाई की और छात्र राजद के प्रदेश अध्यक्ष को पद से हटा दिया, जिसके बाद अब गगन कुमार ने इस कार्यभार को संभाल लिया है। आकाश यादव जो कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने भी अब लगातार पोस्ट किए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर। इसी दौरान उन्होंने आज एक पुराने पोस्ट को दोबारा शेयर किया है और कहा है कि लालू प्रसाद और तेज प्रताप अभी भी उनके दिल में बसते हैं। तो इन्हीं तरह की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें हेडलाइंस बिहार के साथ। धन्यवाद।